खबर उत्तर प्रदेश के हाथरस से है, जहां के थाना जंक्शन क्षेत्र के जहांगीरपुर फाटक पर अज्ञात कारणों से एक छात्र ट्रेन की चपेट में आ गया और छात्र की मौके पर ही मौत हो गई। छात्र की शनाख्त थाना जंक्शन क्षेत्र के प्रियांशु के रूप में हुई है, जिसकी उम्र लगभग 15 वर्ष बताई जा रही है, जो कि ग्राम नगला मलू का निवासी है। प्रियांशु बलवंत सिंह इंटर कॉलेज में कक्षा 9 का छात्र था। प्रियांशु घर से स्कूल जाने के लिए निकला था और ट्रेन की चपेट में आने से छात्र की मौके पर ही मौत हो गई। छात्र की मौत से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। छात्र के ट्रेन से कटने की सूचना पाकर मौके पर पहुंची इलाकाई पुलिस छानबीन कर रही है। मृतक की पहचान मृतक के पिता ने की। मृतक गांव नगला मलू का निवासी है, जिसका नाम प्रियांशु उर्फ मंजीत सेंगर है और उम्र लगभग 15 साल है। मृतक के पिता का नाम संदीप कुमार है। प्रियांशु अपने घर से स्कूल के लिए निकला था, पर रास्ते में जहांगीरपुर फाटक के पास प्रियांशु ने अपनी साइकिल खड़ी की और मथुरा कासगंज रेलवे ट्रैक पर जाकर खड़ा हो गया। तभी सामने से तेज रफ्तार मालगाड़ी आ गई, जिससे मंजीत की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। पीएलएल न्यूज के लिए हाथरस से धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट।